होती है। उन्हीं की देन है कि भारत की आधारभूत संरचनाओं का विकास सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हमारे और समस्त बिहार वासियों के लिए यह गर्व की बात है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पिछले 17 वर्षों से एक इंजीनियर मुख्यमंत्री के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ है। जनहित में सेवाओं के विस्तार से लेकर अधोसंरचना के विकास को लेकर उनकी सोच और उनके कार्य प्रणाली का नतीजा है कि आज बिहार के हर गांव तक बिजली, पानी, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं पहुंची हैं। पटना के गंगा घाट से लेकर बख्तियारपुर में फुट ब्रिज और गया में गया जी डैम के निर्माण तक वह सब कुछ हुआ जो जरूरी था। प्रदेश के निर्माण में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ भवनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके महत्व को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व स्तरीय भवनों के निर्माण को नए आयाम दिए। इसी सोच और हमारे अभियंताओं की मेहनत का प्रतिफल है कि राज्य में बिहार म्यूजियम और अशोका कन्वेंशन सेंटर के रूप में विश्व स्तरीय भवनों का निर्माण संपन्न हुआ। राज्य को सरदार पटेल भवन के रूप में एक सशक्त और मजबूत पुलिस मुख्यालय मिला तो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बोध गया को एक बेहतर मीटिंग हॉल मिला। वाल्मीकि नगर से लेकर राजगीर तक भवनों के निर्माण से बिहार को नई पहचान मिली। यह इंजीनियर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच और कार्यकुशलता का नतीजा है कि बिहार के हर जिले में आज सर्व सुविधा युक्त आईटीआई केंद्र, पॉलिटेक्निक संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण सुनिश्चित हुआ और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, बापू टावर और बुद्ध सम्यक संग्रहालय जैसे ऐतिहासिक गुणवत्तापूर्ण एवं विश्व स्तरीय योजनाओं पर काम हो रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं जिन्होंने बिहार को एक कुशल शिल्पी की तरह संवारा और 21वीं सदी के बिहार निर्माण के सपने को यथार्थ बनाया है। विगत 17 वर्षों में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने कार्य बिहार में हुए हैं शायद ही किसी राज्य में हुआ। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास पथ पर निरंतर अग्रसर है और 21वीं सदी के बिहार की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है।